हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडीयू चैंप लाइव क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें क्या लिखा है, ग्रुप डी का आरआरबी का जो पेपर हुआ 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि उस पेपर में क्या क्वेश्चंस आए, क्या हुआ, कौन कौन से पार्ट थे, कितने क्वेश्चंस आए, पेपर का लेवल कैसा था। तो उससे पहले हमने एक पार्ट कर दिया है इसका, उसमें भी हमने जो क्वेश्चंस थे वो जितने क्वेश्चंस थे वो तो हमने करा दिए। उसके अलावा हमने जो स्टूडेंट्स से मिले तो उनको पेपर का लेवल कैसा लगा उनका भी आप इंटरव्यू देख सकते हैं इसके बाद बीच में, कि उनको पेपर का लेवल कैसा लगा, उनको पेपर देने के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और किस टाइप के क्वेश्चंस आए, तो वो भी आएंगे। और बच्चों ने हमें ये भी बताया कि काफी चीजें ऐसी हैं कि पेपर तो पहले से आ गए थे कहीं कहीं पे जो कि टाइम के पहले, कि वो पेपर गलत है और हम आपको हमारे चैनल पे एकदम सही सही क्वेश्चंस बताएंगे जो क्वेश्चंस एक्चुअल में आए हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि जो नहीं आया है वो क्वेश्चन भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले तो इंटरव्यू बच्चों का कि वो किस तरह का उनका पेपर आया। ठीक है, तो वेलकम बैक अगेन। देख, आपने सेंटर लेवल का पेपर है तो अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें राजस्थान का पेपर अलग होगा या फिर उड़ीसा का पेपर अलग होगा, किसका पेपर अलग है। सेंटर का पेपर है तो पेपर तो सेम ही होगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक है, हर स्टेट के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं कराता, एक ही एग्जाम कराता है, एक दिन की एक शिफ्ट का एक ही पेपर होता है ना। और इनमें तो वो हो सकता है आपका, जैसे आपका अलग अलग पेपर होते थे उसमें क्या होता था, ए बी सी डी ये कोड होता था लेकिन क्वेश्चन सेम होते थे, क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं। एक हमें आपके पास विद प्रूफ हम आपको बताएंगे कि जो पेपर आया आज का उसमें आप बच्चों से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स ने बताया कि जो जो क्वेश्चन आए हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हाँ, मैथ्स के सारे क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ सकते क्योंकि वैल्यूज याद नहीं रहती है, लेकिन जितना हमारे पास मेटेरियल है वो हम आपको सॉल्यूशन करा देंगे। 50-40 क्वेश्चंस का हमने 40 क्वेश्चंस के लगभग हमने पहले भी कराए हैं, अब 20-25 क्वेश्चन अब कराएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, क्या क्या पूछे जा रहे हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स में क्या आ रहा है, मैथ्स में क्या आ रहा है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम एक इंटरव्यू देख लेते हैं स्टूडेंट्स का, तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में। गाइस, जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, आज सेकंड डे, तो स्टूडेंट्स का रिव्यू लेकर सेंटर के बाहर खड़े हैं कि उनका एग्जाम कैसा हुआ, उन्होंने एग्जाम की तैयारी कैसे की थी, कैसा पेपर आया था, मॉडरेट था, इजी था या हार्ड था पेपर का लेवल, और कितने क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किए और कैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए जानते हैं आपका नाम से। सर पटेल। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जोधपुर से। जोधपुर सर, जैसा कि आपका पेपर ग्रुप डी का हो गया है, होने वाला है? हो गया सर। पेपर का लेवल तो मीडियम था, ज्यादा नहीं था, जो लोगों पर एक है उसमें थोड़ा कम ही है लेवल, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा है और टाइम भी सही है, और मैंने लगभग 80-85 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें ज्यादातर मैथ के और हिंदी के सवाल है, जीके का कम है, और कंटिन्यू लगभग 15-20 ऑनलाइन वीडियो है उनको देखा और उनको सीखा कि कैसे कैसे करते हैं, कम टाइम भी ज्यादा है, तो इसके लिए हमने 35 मिनट के आसपास मैंने पूरे एक बार देख लिया, उसके बाद धीरे धीरे जो टाइम लेने वाले उसके लिए उन्होंने बात किया था, और जिसमें के वजन वाले वहाँ से आए थे, और इसमें में आए कितने हैं, वर्ग कितने हैं, ये भी क्वेश्चन आया था, और कौन सा डे किस तारीख को पड़ेगा ये भी क्वेश्चन आया था, और मैथ में परसेंटेज, एज, एवरेज और ट्रेन, इन सभी क्वेश्चन आया था, और करंट जीके में आया था, मिस इंडिया 2018 की फॉर्म है ये बताया गया था, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के इसमें इसी थे, और उसमें कथन के क्वेश्चन भी नॉर्मल वे में ही थे, और ये मैं सब कुछ जो स्टडी किए हैं वो ईडीवी चैंपियन से की थी, ईडीवी चैंपियन से की थी, और जो आज का पेपर है बहुत इजी गया पेपर, और इसमें एक क्वेश्चन था कि वो बेल्टुल का युद्ध कब हुआ था, और एक क्वेश्चन था कि परसेंटेज से रिलेटेड था। सर, मोस्टली कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, जीके से, रीजनिंग से, मैथ से या करंट अफेयर से? मोस्टली क्वेश्चन का पेपर भी क्वेश्चन आए थे, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन को किए गए? सर ऐसे देखो, मैंने देखा कि मैथ ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग के किए हैं, तो मेरे को इतना अंदाज था कि कौन सा क्वेश्चन सही है ज़्यादातर आए थे, मेरे को लगता है अधिकांश जीके और रीजनिंग के आए हैं। उनका कहना सही है सर, बी ग्रुप का पेपर सरल है लेकिन टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट को, या फिर कोई टाइम जबरदस्ती करते सवाल के ऊपर, नहीं ये तो मेरे को सॉल्व करना ही है, टाइम से आराम से
माइनस मार्किंग भी है क्या एग्जाम में? यस सर, माइनस मार्किंग है, ऑलरेडी पहले से ही मेंशन कर रखा है। तो क्या माइनस मार्किंग है पर क्वेश्चन में? 1/3। 1/3। और वैसे पासिंग मार्क पर क्वेश्चन का कितना है इसमें? तो लगभग 40% अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग चाहिए। 40% भी है, 35 भी है और 50 भी है। वो अलग अलग कैटेगरी है। नहीं, तो जैसा कि आप हमें बता सकते हैं करंट अफेयर से कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए थे करंट अफेयर में? जीके सर, जीके करंट अफेयर और जीके में सर मैं इतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने उसको पढ़ा भी नहीं होना, मेरे को क्वेश्चन याद है क्योंकि मैंने ज़्यादातर मैं दोनों नहीं। जैसे कल के पेपर में खेल जगत से और फिल्म जगत से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आए थे और क्वेश्चन आए थे कहीं कभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए थे कल के पेपर में, तो आज के पेपर में वैसे आए थे और उससे कुछ डिफरेंस आया था? करंट जीके में एक तो क्रिकेट से आया था और एक मिस इंडिया अवार्ड के रिलेटेड आया था और उसके अलावा करंट जीके ज़्यादा थी। पुराना 2-4 क्वेश्चन और आए थे तो पुराना जीके की थी, बाकी करंट के ही सबसे ज़्यादा थे। और जो करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे वो कौन से ईयर के आए थे? 18 ईयर सबसे ज़्यादा आए थे। और आपके अकॉर्डिंग इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जा सकती है? ये पता नहीं है ना, तो कितने से हो सकते हैं? और आप ये बताइए कि जैसे एग्जाम सेंटर में अंदर स्ट्रिक्टनेस कैसी है, आपके अकॉर्डिंग सही है या गलत है? एग्जाम में अकॉर्डिंग है और आज प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 130 आपके बैच में 130 बंदों ने एग्जाम दिया है। तो जैसा कि गाइस आपको पता है कि आज जीटी का एग्जाम है और फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। आज हम सेंटर के बाहर खड़े हुए जो स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस बताए हैं उनके लगभग आंसर इन्होंने सही दिए, जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्होंने यही बताया और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आए। और कल के पेपर के क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो कल के पेपर से क्वेश्चन जो आए थे उससे डिफरेंट आए थे। जैसे कल खेल जगह से क्वेश्चन आए थे और आज भी खेल जगह से आए, कल फिल्म जगह से आया था, फिल्म जगह से नहीं है, पॉलिटिशियन से नहीं है, आज जीके में क्वेश्चन आए थे 2018 का जो करंट अफेयर उससे आया था और कुछ मैथ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे इसमें, मैथ से और रीजनिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो इन स्टूडेंट जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है और आप सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको क्वेश्चन के आंसर की मिल जाएगी। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन इनसे पूछा है तो हम इनसे ही जानते हैं कि क्वेश्चन सही है गलत है। तो सर बताइए, जो मैंने क्वेश्चन बताए मेरे को जो याद है वो सही मैंने बता दिए और उसके अलावा उसका आंसर मेरे को मालूम नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन याद है वो मैं आपको बता दूंगा। यानी आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आए वही सब क्वेश्चन है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन बताए वही सब क्वेश्चन पूछे गए? जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन बताए वही सब क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। तो आप हमारी आंसर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, क्वेश्चन का लाइव क्लास चल रही है तो उस पर आप इसे क्वेश्चन देख सकते हैं। सो गाइस अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और अब हम देखते हैं कि मैथ्स में क्या क्वेश्चन आए और अलग अलग क्वेश्चन में। मैथ्स का मैं बताता हूँ सर, आप रीजनिंग और जीके का बताइएगा कि क्या क्या आया और उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? तो पहले देखते हैं परसेंटेज, जो सबसे पहला टॉपिक है अर्थमेटिक का, इसके बिना कुछ नहीं है मान लीजिए आप। तो सबसे पहले परसेंटेज है, इससे 3 क्वेश्चन आए हैं। किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है वो हम कराएंगे। ट्रेन जो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पता है ट्रेन से आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं बिना ट्रेन, और एक आता है नाव से, तो यहां से आता है ट्रेन से क्वेश्चन आया है। फिर पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम और टाइम वन वर्क सेम तरीके से काम करता है, आपको पता है जैसे कि दो पाइप लगी हुई है किसी टंकी को भर रही है, तीसरी पाइप उसको खाली कर रही है, दोनों तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग है, जैसे ए 10 घंटे में भर रही थी, बी 12 घंटे में भर रही है और सी ऐसी पाइप है जो 15 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। मेंसुरेशन मतलब इसमें क्या होता है, एरिया एंड वॉल्यूम 3D एंड 2D दोनों आते हैं, लेकिन इसमें एक तो वर्ग का क्वेश्चन आया है 2D से, एक 3D का आया है, ठीक है। तो मेंसुरेशन से सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्या पूछा है। सर तो इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, एलजेब्रा के भी 2 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट लॉस मिसलेनियस में मतलब मिक्स क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन मान लीजिए आप ये आए हैं, और टाइम एंड वर्ग से 1 क्वेश्चन और आया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हमारे पास है वो हम कराएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जो जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है उसका हम सॉल्यूशन आपको देंगे। अभी आप देख लीजिए तो मैथ्स का जो ओवरऑल लेवल आया है वो मैं बोल सकता हूँ इजी है,
काफी इजी पेपर आया है मैथ्स का, जो बच्चों को भी इजी ही लगा है। आपने इंटरव्यू देखा कैसा पेपर है, इजी पेपर था, कुछ को मॉडरेट लगा, वो आपकी तैयारी पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, आपकी जिस तरह आपकी तैयारी है, आपने कितने पेपर सॉल्व किए हैं, आपने हमारे ग्रुप डी का जो पेपर का जो हम करवा रहे थे वो देखा है कि नहीं, क्योंकि जो 17 तारीख का पेपर हुआ उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने ग्रुप डी में करवाए हैं, ठीक है। और आज भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको अगर आप जाके चेक करें तो अब तो हमारे पास प्रूफ है, वो वीडियो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, उसको टेलिस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आज के पेपर में भी आए हैं, तो अभी भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लगभग 30 पेपर हमने सोल्व किए हैं वहां पे, वो आप जाके देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखिए, आपको काफी तैयारी आपको है बोलने। तो चलिए फिर आप रीजनिंग करंट अफेयर्स के बारे में बता देता हूँ आपको, करंट अफेयर्स कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है, तो एक बार इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। मैथ्स वाले से आपको आपने आपको सर ने बताया कि जो पेपर अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन भी है, लेकिन काफी इजी पेपर रहा मैथ्स का, ठीक है। और आपने जो वीडियो देखा है, जो क्वेश्चन हम शो कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल हमको बच्चों से बताए जो एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, उन्हीं बच्चों से हमने एग्जाम पूछे। ऐसा नहीं कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी कि हम 10 बजे आपको पहले ही बता दें, ऐसा नहीं करना था कि 10:30 पेपर हुआ उसके बाद बच्चों से बात की, उनको पेपर पूछा, उनको जो जो क्वेश्चन याद थे वो हमने यहाँ पे लेके आए और उनको आप सोल्व कर रहे हैं आपके सामने। तो मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में बता रहा हूँ। पहला जो अपना है, क्योंकि करंट अफेयर्स कंफ्यूजन ये रहता है कि कहां तक का आ रहा है, कितने साल तक का आ रहा है करंट अफेयर्स, तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, उस टॉपिक के अंदर आपको कवर करना है। जैसे एक तो आपके अवार्ड के बारे में, जैसे आपका फिल्म फेयर अवार्ड बहुत पॉपुलर है, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो आपको फिल्म फेयर अवार्ड का 2017-16-17-18 के जो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा अपना जो है वो दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है वो है जो मिस वर्ल्ड मिस इंडिया और मिस जो फेमिना होती है, मिस वर्ल्ड इंडिया एंड फेमिना, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गए, ठीक है, आपको मिस वर्ल्ड भी पूछ लिया, मिस फेमिना पूछ लिया, दोनों का आंसर आपको पता है, मनोज चिल्लर ने बताया था आपको, ठीक है, ठीक है। आपको एक डेज के बारे में, डेज आपको बेस्ट डेज पूछ लिए, 2 डेज को सेम पूछ लिया आपको, जो वोटर्स डे था वो कल भी आया था वो आज भी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, एक बार आप बता दो कितने वोटर्स डे हो गया इसमें, और इसमें एक जो कोइन लॉन्च हो रहा है आज, एक कोइन लॉन्च का क्वेश्चन पूछा गया कि जो सिक्का लॉन्च हुआ था वो किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, ठीक है। साइंस की बात कर लेते हैं, इसके अलावा जो साइंस है, साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो है आपको मेटल के बारे में पूछा जा रहा है कि मेटल कौन सी सॉफ्ट है, कौन सी जो सॉफ्ट है या हार्डेस्ट है या फिर जो लाइटेस्ट मेटल है, ठीक है, और जो लिक्विड मेटल रहती है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया है, अभी तो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, तो जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके बारे में अपने को पूछा है कि वो कैसे होता है, उसकी कैसे काम वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद में हम रीजनिंग का देख लेते हैं, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन से एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा हूँ आपको, मैं नंबर आप रेंज में काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको टॉपिक बता पा रहा हूँ, टॉपिक कौन कौन से हैं। रीजनिंग के अंदर आपको क्वेश्चन आए हैं फिगर काउंटिंग का, तो एक तो पहला तो आपका आया है फिगर काउंटिंग का, ठीक है, फिगर काउंट करने आपको एक क्वेश्चन आपका है, जो आप कई क्वेश्चन आए हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो असम्पशन होता है अपना रीजन होता है, ठीक है, असम्पशन करते हैं अपन, वो क्वेश्चन आए आपके 5 क्वेश्चन आए सर, इसके लगभग 5 क्वेश्चन आए सर बता रहे हैं, इसके लगभग 5 क्वेश्चन आए, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं आज इसमें, अरबी रेलवे में 2 आ रहे हैं, एआरपी में भी यही आ रहा था कि एक तो आपको अजम्पशन निकालना था स्टेटमेंट से, दूसरा आपको स्टेटमेंट दे रखा था तो आपको निकालना क्या था उसका रिजल्ट, जो मतलब कंक्लूजन निकालना था, दोनों टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने उनका डिटेल में आपको कल बताया भी है, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको मैंने बताया, तो अभी करेंगे तब मैं बता दूंगा बाकी दोबारा अभी और आगे सबसे पूछिए, ठीक है। फिर काउंटिंग हो गया अपना, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए सर, बिल्कुल जैसे सर बता रहे हैं ब्लड रिलेशन, आपको बताया कि आप रिलेशन पूछ जाते हैं, आपको 2-4 लैंग्वेज दी जाती है कि यो इसका रिलेटिव है वो इसका ऐसे रिलेटिव है, तो आपको किसी का किसी से संबंध पूछा जाता है, तो वो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। एक सर बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन सीरीज के भी है, ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन आए हैं, बैंकिंग वाला रॉन्ग नंबर सीरीज वैसा नहीं आया, इजी क्वेश्चन आए, ब्लड रिलेशन से तो बहुत ही आया है, ब्लड रिलेशन का मैंने एक आपको चैप्टर कराया है, ब्लड रिलेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो उसको फैमिली ट्री बना के आप सोल्व कर सकते हैं, उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपको कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप ब्लड रिलेशन का आप उसको इजीली कर सकते हैं, तो वो आप वीडियो जरूर देखिए, आपका पेपर बचा हुआ है, तो यही नहीं अगर आपका गलत भी हुआ है तो आपको अलग और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे आप, तो उसके लिए भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, तो सर अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये है मातृका वाला सवाल है जो आपके एसएससी में नहीं है। बैंक में माध्य मातृका बहुलक जो होते हैं क्या होते हैं वो देखो। आपको पता है माध्य क्या होता है, मीन, मीन या माध्य, माध्य क्या होता है, मान लीजिए सीरीज के लिए पूछा है, मान लीजिए यहाँ पे तो तीन ही नंबर की सीरीज है तो बहुत सिंपल हो गया। मैं मान लो ये नंबर सीरीज लिखता हूँ 2, 6, 9, 4, 8 ये लिखा मैंने, ये मान लो पांच नंबर की सीरीज लिखी, तो इसका माध्य क्या होगा, इन सबको एड कर दीजिए, एड कर दीजिए और कितने नंबर है पांच, तो पांच का डिवाइड कर दिया, ये तो हो गया माध्य, ये चीज है। अब है मातृका, मातृका क्या होती है स्टूडेंट्स, मातृका होती है इनको ये जो नंबर दे रखे थे अब मैं इनको लिखूं एक बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, तो सबसे छोटा दो है, दो के बाद आएगा चार, छह, आठ और नौ। तो इन नंबर में जो मातृका होती है वो मिड वाला आती है, जो असेंडिंग ऑर्डर के बाद क्या है पांच नंबर है तो बीच वाला आ जाएगा सिक्स। इनकेस अगर छह नंबर होता, मैं यहाँ पे दस भी होता तो बीच में क्या आता छह और आठ, तो इन दोनों का एड करते हैं और दो का डिवाइड करते हैं, मतलब उन दोनों का माध्य हो जाता है, वो इसकी मातृका होती है। लेकिन अभी एक ही है, ये है तो तीन में भी एक ही होगा। क्वेश्चन इस तरह से आया स्टूडेंट्स कि तीन नंबर हैं और उनकी मातृका है नाइन, ठीक है, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो ग्यारह है। आपको पता है इससे अलग एक ही नंबर आएगा यहाँ पे, मान लीजिए, लेकिन नंबर क्या दिया हुआ है कि ये एक सीरीज है, समांतर श्रेणी है, मतलब समांतर श्रेणी है मतलब इनके बीच का गैप हमेशा क्या होगा डी, इसको बोलते हैं सर्वानुपात, सर्व अंतर, सर्व अंतर फ्रेंड्स, मतलब इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होगा कि 9 और 11 है, आपको नंबर जब दे रखे हैं मातृका, तीन ही नंबर है, बीच वाला मातृका होगा, ऑब्वियसली सबसे बड़ा है 11, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 2, तो इधर भी डिफरेंस क्या होगा 2, तो 2 कम होगा तो उसका आंसर क्या देगा 7, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7, इसकी माध्य जो इनके बीच का जो सबसे छोटी संख्या है वो होगी 7। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक मेरे पास है फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है, 120 वाट का एक बल्ब 8 घंटे तक जलाया जाए तो कितना, कितनी यूनिट को क्या जलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको वो आएगी, कंजप्शन होगा। तो यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले वो देखते हैं यूनिट होता क्या है, यूनिट वन यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर को ही यूनिट बोला जाता है, जो आपके घर पे जो मीटर लगा होता है उसमें यूनिट से आप काउंट करते हैं बिजली को, तो वो करती है 1 किलोवाट आवर, ठीक है, हर यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, पावर जो दे रखी है वो दे रखी 120 वोल्ट, पावर, ठीक है, ये पावर दे रखी है उसकी बिल्कुल बिजली की, ने जो बल्ब है होता है एक सेकंड का, वो देखा 120 वोल्ट, टाइम दे रखा है वो दे रखा है कितना 8 आवर्स, ठीक है। इसके बाद डेज दे देता टाइम, वो भी डेज में भी आई है अभी, लेकिन हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा वोल्ट इंटू आवर मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है 120 × 8 ये हो जाएगा 12896 960 वोल्ट आवर, ये तो हो गया क्या हो गया वोल्ट आवर में आ गई, तो ये आंसर सही है, लेकिन वाट आवर में हमें पूछा नहीं है, हमें पूछा है यूनिट में, तो यूनिट में हमें किलो वाट बनाना है, वाट को किलो वाट बनाएंगे तो 1000 का डिवाइड बनाएंगे तो क्या आएगा 0.96 किलोवाट kWh, तो यही यूनिट होती है, तो 0.96 यूनिट आपका कंजम्पशन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का इस दर से, 120 वाट का बल्ब जब 8 घंटे जलाया जाएगा तो 0.96 यूनिट आपका खर्चा हो जाएगा, ठीक है। इसकी रेट भी दे सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए 7 दिन तक जलाया और 1 यूनिट की रेट पूछा तो उसको और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आपका खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन वैसे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रेशियो से पहुंच सकते हैं और मिक्सर से भी पहुंच सकते हैं, कैसे, क्वेश्चन है अपने पास एक दूध से 200 ग्राम पनीर बनाया जाता है और दूध की कुछ आपको पता है 1 किलोग्राम दूध से, ठीक है, 1 किलोग्राम दूध से, 1 किलोग्राम दूध से आपको 200 ग्राम पनीर मिलता है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है तो आपको पता चल गया, उसमें दिया हुआ है कि जो दूध की जो वैल्यू है अमाउंट है वो 40 रुपीज पर लीटर है, 40 रुपीज पर केजी बोल सकते हैं इसको, 40 रुपीज पर केजी है, ठीक है। तो इसने बोला है कि मेरे को 20 ग्राम पनीर बनाने के लिए कितने रुपीज का दूध खरीदना पड़ेगा, ये उसने पूछा है। पहले आप देखो कि एक किलो दूध है आपके पास तो ये होगा 1000 ग्राम, ठीक है, तो 1000 ग्राम से 200 ग्राम मेरे को पनीर मिल रहा है, मतलब यदि 1000 ग्राम ये है तो अपने को 200 ग्राम पनीर मिल रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब 5:1 वर्क कर रहा है, 5
पार्ट दूध के और एक पार्ट पनीर का बन रहा है उससे, ठीक है। मेरे को तो 20 किलो पनीर चाहिए, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये 20 किलो हो जाए तो पता है कितना दूध पीना पड़ेगा। यदि इसको 20 से गुणा किया है तो इसको 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो मतलब 100 किलो दूध पीना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। समझ आया क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम मिल्क से मेरे को 200 ग्राम पनीर मिल रहा है, मेरे को पनीर चाहिए 20 केजी, तो उसके लिए मेरे को 100 केजी दूध चाहिए। और आपको बताया 1 केजी जो दूध है उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 40 रुपीज, तो इसको 40 रुपीज 1 केजी की है, मेरे को 100 की चाहिए, तो आपको पता है 100 × 40 दैट इक्वल्स 4000 रुपीज, यानी कि 20 केजी पनीर के लिए मेरे को 4000 रुपए का दूध खरीदना पड़ेगा, तब जाके मैं 20 केजी पनीर बना पाऊंगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, थोड़ा आप बोल सकते हैं कि रेशियो से रिलेटेड है, क्योंकि अभी मैंने रेशियो यूज किया है, और वैसे मिक्सर का तो भाई, क्योंकि मिक्सर तो ये बुद्धि है, ठीक है। तो 5:1 में है, ये 20 केजी होगा तो ये 100 केजी हो जाएगा, जस्ट 5 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इसको 1 केजी के लिए 40 रुपीज असाइन कर रखा है, तो हो जाएगा 4000 रुपए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सर अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, दोनों ही फिजिक्स के क्वेश्चन है, एक तो सीधा उस पर मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है, जो मतलब आपको याद रखना होता है कि ऑडिबल रेंज क्या होती है इंसान के कानों की। ऑडिबल रेंज, ऑडिबल का मतलब क्या है, सुनने लायक, सुनने जितनी, मतलब आप एक कान मिनिमम कितनी आवृत्ति सुन सकते हैं, रेंज मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछिए, और मैक्सिमम कितनी रेंज सुन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले मैंने एएलबी में भी करवाया हुआ है, ये 16 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20,000 को क्या लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, kHz, ठीक है। तो 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आपकी कानों की रेंज होती है, ऑडिबल रेंज बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन आया है, पहले भी आया है, काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आपको इसको याद रखना है ऑडिबल रेंज कितनी होती है। अगला क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, इजी न्यूमेरिकल है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक क्या दे रखा है, 2 प्रतिरोध है, मतलब तो प्रतिरोध क्या होते हैं, रेजिस्टेंस। R1 दे रखा है कितना, 10, और R2 दे रखा है 20। आपको बताया इनकी यूनिट क्या होती है, ओम। ये आपको ये भी पूछा जा सकता है प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ओम होती है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये इसका साइन है। अब इनको क्या लिखा है, पैरेलल रखा है, पैरेलल मतलब समांतर श्रेणी में रखा है, ठीक है। समांतर श्रेणी में रखने के बाद इसमें क्या किया गया, 6 वोल्ट का विद्युत विभवांतर क्या किया गया, इसमें प्रवाहित किया गया, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो पूछा है कि धारा कितनी बहेगी, आई का पूछा है। आपको पता है ओम के रूल के हिसाब से वी बराबर आई आर होता है, तो वी बराबर आई आर होता है, वी ओम आर क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये तो सिंपल बात है। लेकिन हमारे पास आर एक नहीं है, दो है, पहले तो एक आर निकालना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, जो आर कौन सा होगा, वो इफेक्टिव आर, इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। देखो दो तरह की सीरीज होती है, एक तो ऐसे ये आर ऐसे लिखते हैं, ये R1 हो गया और ये हो गया R2, ठीक है, ये तो हो गया पैरेलल सीरीज में। अगर मैं ऐसे लगा दूं, ऐसे ये R1 और इधर से बैटरी आपने कुछ भी एड की, और ये R2 इधर, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों की कंडीशन में अलग अलग काम करते हैं ये रेजिस्टेंस, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। इस सीरीज में तो क्या होता है, R होता है, वो होता है R1 + R2, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस तरह जितने R होते हैं तो उसके लिए होता है 1/R = 1/R1 / 1/R2, इस तरह से बढ़ते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप आगे जाते जाएंगे। अब यहां कैसे निकालेंगे, 1/10 + 1/20, ये क्या जाएगा 1/R, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/20 1/R की, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, R की वैल्यू आ जाएगी 20/3, ये R की वैल्यू आ गई हमारे पास। जब R की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू हमारे पास है, तो हम ओम के रूल के हिसाब से ये रख सकते हैं, V की वैल्यू कितनी है 6 और इसकी कितनी होगी 20/3, 3 ऊपर जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहां से कर देता हूं, R1 यहां लिख देता हूं, R1 10 ओम, ठीक है, ये है। तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 क्या हो जाएगा ऊपर जाने के बाद 18/20, तो ये क्या हो गया 9/20, या मतलब 10, सॉरी, तो 0.9 एम्पियर की धारा बहेगी इस सर्किट में। देखो मैं बताने में थोड़ा लंबा लगा, लेकिन है बहुत इजी, जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है ये,
कि दो जो प्रतिरोध होते हैं, दो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल लगे होते हैं, तो उनको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, एक वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू डैश 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 जितने भी आर आपके लगे हुए हैं, तो उससे आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू आपको निकाली हुई है तो बी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये आई है, ये भी आप मान लो वी है, अलग अलग वोल्टेज की आपको अगर पैरेलल और उसमें दे रखी हो सीरीज में, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम जब ये जनरल साइंस का ये वाला पार्ट आएगा तो हम कराएंगे आपको, तो उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब आपको ऐसा वीडियो मिले तो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चक्रवर्ती जांच का है, ये क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में किया था लेकिन थोड़ा सा उसमें डेटा का मिसिंग था, इस बार डेटा अपने पास सही है तो अपन इस क्वेश्चन को वापस करते हैं, थोड़ा फास्ट वे में करेंगे। अपने को प्रिंसिपल दिया हुआ है 50,000 रुपए, जैसे कि अपने पहले दिया था, ठीक है 50,000 रुपए दे रखा है, इसमें रेट दे रखी है आपको 12%, ठीक है, और इसमें टाइम आपको टोटल 6 माह का ही दिया हुआ है, ठीक है 6 माह का टाइम दिया, मतलब आधे साल की बात करेंगे अपने को, लेकिन इसमें जो आप रेट कैलकुलेट करते हो त्रैमासिक करते हैं, त्रैमासिक आपको पता होगा कि क्वार्टर में एक बार करते हैं, त्रैमासिक हो गए, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप टाइम को तो 4 से गुणा करते हैं, रेट को 4 से डिवाइड करते हैं, तो मैं रेट को 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है तो आ जाएगा 3%, और टाइम को तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 मंथ को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 मंथ्स हो जाएंगे, और 24 मंथ्स को मैं 2 ईयर बोल सकता हूँ, ठीक है 24 मंथ्स को 2 ईयर बोल दिया मैंने। अब सिंपल सी बात है, आपको सीआई कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगा, उसमें से प्रिंसिपल घटा दूंगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर 10 या फिर टाइम, ठीक है प्रिंसिपल अपना 50,000 है जैसा कि गिवन है, मल्टीप्लाई रेट कितनी है अपने पास, रेट 12% थी लेकिन क्वार्टरली अपन यूज कर रहे हैं, तो 4 का डिवाइड किया मैंने, 4 का डिवाइड करने से रेट आ गया 3% में रखूंगा तो 1 प्लस 3 रखूंगा, तो ऐसे मोने पास में 103 बन जाएगा, 103/100 पावर में आपको पता कितना चल रहा है 2 चलेगा, ठीक है आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, ये हो गया 50,000, अब ये स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, 103 × 103 तो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100 × 100, आपको पता है ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए, 4 जीरो है 50,000 है तो 4 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये 2 जीरो भी 3 से कैंसिल हो गए, पता है 103 का स्क्वायर, मैंने थोड़ी देर पहले सुबह बताया था 103 का स्क्वायर होता है 10609, ठीक है 10609 होता है 103 का स्क्वायर, जब हम आगे की वीडियो सीरीज बनाएंगे तो आपको बिल्कुल स्क्वायर करना कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे, सर बता रहे उन्होंने वीडियो बना रखा, लेकिन अब इसको 10,609.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इनको साइज भी यहाँ पे, तो इसको जो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है अपना 45, 30 और 5, ये आपका अमाउंट आ गया है 53,045 रुपए, अमाउंट आ गया 53,045 रुपए, ठीक है, और आपका जो प्रिंसिपल था वो आपका 50,000 था, ठीक है इससे मैं घटाऊंगा तो ये होता 3,045 रुपए, 3,045 रुपए आपका सीआई आ गया, कैसे किया मैंने, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया प्रिंसिपल का, सॉरी अमाउंट का, अमाउंट निकाला मैंने, वो आ गया 53,045 रुपए, 53,045 अमाउंट आ गया है तो 50,000 प्रिंसिपल था, ठीक है तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से अपन प्रिंसिपल को माइनस कर दें, चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला यूज किया माइनस वन यूज करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में बता रहा हूँ, इसको पहले कैलकुलेट कर लिया 50,000 माइनस ही करना है, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि कितना 50,000 कितना ज्यादा है, 3,045 रुपए ज्यादा है, तो 3,045 इसका आंसर होगा, तो इसका सीआई की वैल्यू 3,045। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके लिए, सर इसका हम आपको सिंपल मेथड भी बताएंगे और जो इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, इफेक्टिव मनी परसेंटेज का आपको फॉर्मूला बताया था, तरीका क्या होता है, अगर 2 साल का रेट है तो 6 × 3 × 3 × 3 × 3 × 100, इससे आप निकालोगे तो ये तो 6 हो जाएगा प्लस 0.09 ये आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 106.09, मतलब ये हुआ कि नहीं, इतना परसेंट आपको निकालना था, सीधा भी आप निकाल सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको फास्ट ऐसे लिए बताया कि जब आपको जरूरत, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो आपको 3 तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कराया जाएगा, ये आप मतलब वो इसलिए बताया सर नहीं क्योंकि सबको आता नहीं है ये तरीका, तो आप 103 को 103 से गुणा करेंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा, आपके पास बेसिक तरीका है वो बेसिक जनरल तरीका है, सबको आना चाहिए जनरल फॉर्मूला सबको आना चाहिए, तो बेसिक थोड़ा सा थोड़ी शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है सर नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक की आप वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स की हमने कोशिश बहुत बनाए हैं आपको कैसे निकालना है
स्क्वायर रूट्स निकालने कैसे हैं, क्यूब रूट्स कैसे निकालने हैं, तो वो सब चीजें आप जाओगे आपको डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है। अगला एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ममता माँ है सूर्य की, ममता मैंने इस तरह क्वेश्चन कैसे कराए थे फैमिली ट्री करेंगे, ममता है तो मतलब आप इसको उसमें क्या करोगे बोले के अंदर लिखोगे और एम लिख दिया, बोला किसको रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, अगर मैं लिखूं बॉक्स मान लीजिए ये स्क्वायर लिखूं तो ये निश्चित मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये किसकी माँ है, ये माँ है सूर्य की, और सूर्य इसका बेटा है तो एक डाउन एक सीढ़ी नीचे आएंगे मतलब क्या आएंगे जनरेशन गैप आ गया, ये हो गया सूर्य, ठीक है सूर्य की माँ हो गई। अब क्या कहा आप सॉरी जो इनका जो रिलेशन है मैं उनको बताने के लिए मैंने आपको फैमिली ट्री बताया है कि एक जनरेशन के लोगों को कैसे दिखाते हैं, दो जनरेशन के लोगों को कैसे दिखाते हैं, तो जनरेशन गैप को आप ऊपर से नीचे की लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही जनरेशन के होंगे तो ये तो होगा भाई बहन और या मतलब सिबलिंग का साइन, और जो ये होगा ये होगा हस्बैंड वाइफ का। अब क्या कहा है कि ममता का भाई है तो मतलब इस जनरेशन में होगा और भाई है तो वो इस बॉक्स में आएगा, नाम उसका दे नहीं रखा तो ममता का भाई जो है वो इसका क्या लगेगा, तो सीधी बात है ये इसकी माँ है, माँ का भाई क्या होता है मामा, तो आप वैसे भी निकाल सकते थे लेकिन ये तो छोटा बोल गया ऊपर भी दे देता इसके पापा और उसका भाई ऐसे करके रहते, तो आपको फैमिली ट्री कैसे बनानी होती है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप जाके पक्का एक बार देखिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए अगर नहीं हो तो, ठीक है तो ये था इसका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जिससे आया था। अगला क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से है, थोड़ा क्वेश्चन में अपने को डेटा नहीं मिला लेकिन मैं डेटा अज्यूम कर रहा हूँ, डेटा नहीं सर आप उसी से कर लो क्वेश्चन का कमान लॉजिक अपने को पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट की हानि होती है तो उसको ज्यादा में बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, मैं बताता हूँ कि आपको दिया हुआ है कि मान लो आप किसी को वस्तु को बेच रहे हो एक्स रुपए में तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक्स रुपीज, ठीक है आपने इसमें लॉस हो रहा है लॉस परसेंटेज है 5%, सीधी सी बात है सारी कैलकुलेशन होती है सीपी पे कॉस्ट प्राइस पे, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो मेरे को डेटा एक्स रुपीज दिया है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि क्वेश्चन जिन्होंने भेजा है उनको डेटा याद नहीं था, मैं आज अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है तो मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 100/100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई एस पी, ये फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा सा स्टोर कर देता हूँ, ठीक है ये हो जाएगा यहाँ पे 95 क्योंकि मैंने 5 माइनस कर दिया, एस पी आपका एक्स रुपीज दे रखा है तो मैं इसको एक्स लिख लेता हूँ, इसको मैं इजिली सोल्व करूंगा तो 20/19 पैसा आ जाएगा, क्या सीधे आ गया, ठीक है कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है पहली बात तो प्रॉफिट होने के लिए वाई रुपीज से ज्यादा होना चाहिए, फिर मैं पहले क्या करता हूँ प्रॉफिट रुपीज में निकाल लेता हूँ, प्रॉफिट रुपीज का मतलब ये अपनी नई सेलिंग प्राइस है वाई रुपीज, ये अपनी कॉस्ट प्राइस है 20/90 जो मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या होगा नया प्रॉफिट हो जाएगा वाई रुपीज माइनस ये, ठीक है मैं नया आपका प्रॉफिट निकालू, नया प्रॉफिट हो जाएगा आपका वाई जो आपकी सेलिंग प्राइस है नहीं जो कि उस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए तभी आपको प्रॉफिट होगा, मैंने वाई माना है इसलिए मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि वाई इससे ज्यादा होगा, यदि वाई इससे कम होगा तो फिर लॉस हो जाएगा, वाई किसी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो मैं आपको नया प्रॉफिट निकाल रहा हूँ वो जाएगा 20x/19, इसको मैं सोल्व करूंगा तो जाएगा 19y-20x/19, ये आपका नया प्रॉफिट हो चुका है, इस प्रॉफिट को आपको इससे कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे बता देता हूँ आपको, मैं थोड़ा कर रहा हूँ इसको, अपनी जो सीपी आई है नई अपनी जो कॉस्ट प्राइस आई है वो है 20/19 भी, ठीक है ये अपना प्रॉफिट है, तो क्या होता है परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट रुपए में हो रहा है 19y-20x/19 डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 19y-20x/19, ठीक है अब इसमें उसका डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने का मतलब है नीचे आएगी, मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रिवर्स करके, आपको ये पता होगा कि ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको 19/20 कर देता हूँ मैं और 100 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, आपको पता है क्यों होगा क्योंकि मेरे को परसेंटेज में चेंज करना है, ये 90 से 90 कैंसिल हो गया, ये 20 है इसको मैं 5 से कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 19y-20x और मल्टीप्लाई 5, ये आपका परसेंटेज में प्रॉफिट आ चुका है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका परसेंटेज में प्रॉफिट आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि अपने पास एक्स और वाई के डेटा नहीं है, इसके अपन एक्स वाई की कैलकुलेशन करते नहीं तो अपन एक्स वाई की बिल्कुल इजी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो अपना परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सर। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे मैंने देखो वीडियो भी बनाए हैं कॉन्सेप्ट पे भी, उसके अलावा ग्रुप डी के पेपर सॉल्व करवाए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे कि कौन सा किस पे प्रॉफिट एंड लॉस जैसे सीपी पे काउंट होता है, अगर डिस्काउंट दे रखा है तो मार्क प्राइस पे काउंट होता है, वो सब चीजें मैंने बताई थी तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ समझ में नहीं आता तो आप उस वीडियो में जाके देखिए, वहां भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, क्योंकि आप वहां पे एक से ज्यादा क्वेश्चन देख पाएंगे एक ही टॉपिक से रिलेटेड। अब क्या है, 9 लड़कों का औसत है 54, 9 लड़के हैं उनका वेट है औसत एवरेज एवरेज को 9 का क्या है 54। और क्या है फिर कह रखे हैं, कुछ लड़के हैं मान लो ना एक्स लड़कियां हैं, ये लड़के हैं बॉयज और ये क्या है गर्ल्स, इनका एवरेज क्या है, इनका एवरेज है 20 केजी। ठीक है, काफी डिफरेंस है। और क्या कहा है टोटल जो है उनका क्या है टोटल का टोटल एवरेज, टोटल का एवरेज कितना है, ये है 35 केजी। ठीक है, वेट दे दिया, लड़कों का एवरेज है 54, लड़कियों का एवरेज है 20 और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं लड़के 9 और ये एक्स 9 प्लस एक्स हो गए ना, ये 9 प्लस एक्स सारे स्टूडेंट्स यही होंगे लड़के और लड़कियां, उनका 35 ऑब्वियस बात है इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब हमें ये देखना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपको या तो आप एक्स लड़कियों की वैल्यू निकाल लो और 9 में एड कर दो। ठीक है, या फिर आप सीधा ही टोटल निकाल लो, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, कैसे निकालना है वो देखना है। अब हमारे पास टोटल वेट कितना हो जाएगा लड़कों का, टोटल वेट इनका बॉयज का कितना हो जाएगा 9 × 54। सीधी बात है, एवरेज को अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर लें जितने हैं तो वो क्या जाएगा उनका टोटल वेट 9 × 4 कितना 36, 9 × 45 14 कितने होंगे 48। ये क्या है, इन 9 लड़कों का टोटल वेट आ गया, हर का अगर मान लीजिए किसी का 51 था, किसी का 56 था, 55 था, लेकिन एवरेज 54 था, एवरेज को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ गया आपके पास लड़कों का टोटल वेट। अब क्या हुआ तो लड़कियों का हमें पता नहीं लेकिन 20x होगा टोटल ऑफ गर्ल्स, ये क्या देगा 20x। ये बात आपको समझ में आ गई, लड़कियों का अलग से 20x आ गया, 20 इनका था 446 और टोटल स्टूडेंट्स का टोटल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार वापस से भी बता दूंगा दूसरी तरीके से भी, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि लड़कियों का टोटल निकाल लेंगे और लड़कों का टोटल निकाल लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे जो सारा टोटल हमें आएगा उसके बराबर आएगा ना। टोटल मान लीजिए टी था, ये 9 + x नहीं हो क्योंकि हमें पूछा ही टोटल है, तो टोटल कितना हो जाएगा 35 × t हो जाएगा। अब देखिए ये कितना दे रखा था 35 × t लिखो नहीं 9 + x ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ए ही वो है 9 + x। ठीक है, तो इधर जो 9 + x हो गया इधर क्या आ जाएगा 486 + 20x आ जाएगा। इधर क्या आएगा 35 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो 350 में से अगर आप 35 करो तो 315। ठीक है, प्लस 35x आगे बात आपके सामने समझ में। अब क्या करेंगे 315 को अगर 386 से इधर कम करेंगे और 20 को उधर, तो 15x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 5 में से 1 तो इधर आ गया और 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 1 तो 15x की वैल्यू 171 आ गई। आप x की वैल्यू यहां रखेंगे और फिर टोटल इसमें 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंटों में आ रहा है तो जो हमें स्टूडेंट ने बताया है उसमें कहीं ना कहीं इस डेटा में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट ने जो हमें डेटा दिए हैं उनमें क्या होता है कभी कभी ये भूल जाते हैं कि 20 और 54 तो यही था एक्जेक्टली, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि कुछ डाउट है शायद 35 या पॉइंटों में था। ठीक है, तो आपका एग्जिट आएगा, आपको पता है कभी भी लड़के या लड़कियां पॉइंटों में नहीं आ सकते क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, वो अपने आप में पूरा पूरा ही होगा, प्रोनाउन होगा, तो ये नंबर थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन आप सिंपल में बता दूं आपको एवरेज दोनों का एवरेज अलग अलग निकालना है, उनको एड करके टोटल के जो टोटल है उसके बराबर करना है।
बस उससे आपको जैसे मैंने कल एक सीरीज स्टार्ट करी थी कैलेंडर की, ठीक है, कैलेंडर से आज क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन अभी तक मैंने कराया नहीं है, अगले वाली क्लास में कराऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन जो आया है वो देख लेते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा था कि आपको एक फिक्स डेट दे दी कि ये डेट है, उस दिन को आप, उस डेट को आप कौन सा डे होगा, वो डे आपको बताना है कि सप्ताह का कौन सा वार होगा उस डे को, ठीक है। तो डेट दे रखा आपको 24 मार्च 2006, ठीक है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, 2006 2007 जो भी आया है या फिर कोई भी आई है तो अपन उसको देख लेंगे। फिलहाल तो किसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहली बात तो इसका डेट निकालना, तो अपने कुछ है ना जो मंथ होते हैं सारे मंथ उनके कोड याद करने पड़ते हैं, कोड सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, ठीक है। कोड होते हैं उनको याद करने का तरीका है 144 025 036 146, ठीक है। ये कोड हो जाएंगे आपके, 12 कोड लिखे मैंने, ये सभी मंथ के हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च के सिर्फ कोड है। अपने पास मार्च है तो मार्च कोड अपने पास 4 है, मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद में अपन ऐसे भी याद रखते हैं जो सेंचुरी होती है, 2000 है, 1900 है, 1600 है, उनके भी कोड होते हैं, तो उनके कोड ऐसे होते हैं। 1600 है वो आपका लीप ईयर होगा, क्योंकि 400 का डिवाइड होगा इसके अंदर, तो इसका कोड होगा 6, 1700 का कोड होगा 4, 1800 का कोड होगा 2, 1900 का कोड होगा 0, फिर से रिपीट कर जाएगा। अपने पास है वो सेंचुरी 2000 के आसपास है, 2000 है उसमें 2000 से जुड़ा हुआ अपना कोड 6 होगा। यहाँ पे इसको करने का तरीका देखो, कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि ओड डेज निकालने पड़ते हैं, तो यहाँ पे भी वही तरीका कैलकुलेट करेंगे अपन, ओड डेज निकालने इसके लिए। सबसे पहले अपनी बात 24 मार्च है, 24 मार्च का जो डेट है 24 का 24, ठीक है। मार्च उसके बाद में था मार्च के लिए कोड अपने बताया 4, तो मैं यहाँ पर 4 एड कर देता हूँ, ठीक है। प्लस उसके बाद अपने देखा सेंचुरी कौन सी है, सेंचुरी आपको बताया कि ये 6 नहीं होता, यहाँ पे 0 होता, तो सेंचुरी होती 2000 लीप ईयर के लिए कोड होता है 6, लीप जो सेंचुरी होती है उसके लिए कोड होता है 6, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ 6। उसके बाद आपको देखना है कि सेंचुरी जो भी है उससे कितने ज्यादा साल अपने कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे 2006 दिया हुआ है, तो इस सेंचुरी 2006 से ये बिल्कुल 6 साल ज्यादा है। यदि यहाँ पे कुछ और होता, 2015 होता, तो यहाँ पे मैं 15 लिखता, यहाँ पे 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखूंगा 6। अब इस 6 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, किसी को ध्यान से सुनना, इस 6 साल में कौन से 6 साल में जो इस सेंचुरी के ज्यादा है, वैसे सेंचुरी से ज्यादा है, इस 6 साल में कितने लीप ईयर आएंगे वो आपको देखना है। तो 6 साल है, लीप ईयर निकालने के 4 का भाग देते हैं, तो एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो एक लीप ईयर आएगा इसमें, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 1। इससे ऐड किया मैंने देखा कि 2000 से जो कितने ज्यादा साल है, 6 साल है, उसमें कितने लीप ईयर आएंगे, तो मैंने 4 का डिवाइड कर दिया, सिर्फ एक बार आ जाता है, 2 आपका रिमाइंडर बच जाता है, तो एक लीप ईयर तो आएगा ही आएगा, तो मैंने 1 ऐड कर दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको इसमें 7 का डिवाइड करना है, तो मैं 4 डेज कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो 24 और 4 28 हो गया, आप चाहे तो 28 को हटा भी सकते हैं, क्यों हटा सकते हैं, उसमें 7 का पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है, लेकिन मैं पूरा ऐड कर देता हूँ, 24 4 28 6 34, ये 40 और 41, तो ये 41 में 7 का डिवाइड करेंगे, आपको पता है कि 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 से तो बचेगा, 42 में पूरा पूरा बात जाता है, 41 में एक कम है, तो 6 रिमाइंडर बच जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 6 रिमाइंडर, ठीक है। अब ये रिमाइंडर आप सोचेंगे कि रिमाइंडर को किससे शो करेंगे, तो आपको एक टेबल और याद रखनी पड़ेगी, आपकी जो वीक है आपको मानना है कि आपकी वीक संडे से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो संडे के लिए आपने कोड असाइन किया 1, ठीक है, मंडे के लिए 2, ऐसे करके आपने सैटरडे है जो लास्ट में आएगा उसके लिए कोड असाइन किया 6, क्या बोल रहा हूं आपको, सैटरडे के लिए आपने किया है 0, ठीक है। तो इसके ऊपर फ्राइडे आएगा, फ्राइडे के लिए आपने किया 6, तो ये जो कोड आपने डिसाइड करके कोड कौन से हैं, ये जो आपका लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसके लिए आपने कोड डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। मेरा 6 रिमाइंडर आ रहा है, यदि मेरा 1 रिमाइंडर आता तो वीक संडे से स्टार्ट होती है, तो उस दिन किस दिन 24 मार्च 2006 को संडे होता, लेकिन जो भी आज 6 आ रहा है तो 6 अपने इस टेबल में 6 जाएंगे तो फ्राइडे को 6 आएगा, तो इस दिन 24 मार्च 2006 को अपना शुक्रवार होगा, अपने निकाल लिया है, फ्राइडे होगा। कैसे, मैंने पहले अपन जब कैलेंडर का पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे तब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आया है, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैंने थोड़ा ब्रीफ बताया आपको बहुत छोटे से रूप में कि इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। वहां पे कुछ कोड्स हैं, ये 3-4 प्रकार के कोड यूज हो रहे हैं, जो पूरी प्लेलिस्ट आएगी उसमें आपको पूरे कोड डिस्कस किए जाएंगे वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ में बताऊं कि संडे संडे इनके लिए सबके लिए आपने एक एक कोड डिसाइड कर रखा है, आपका लास्ट में 6 रिमाइंडर आया तो ये फ्राइडे के लिए साइन है, तो उस दिन आपका फ्राइडे होगा, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं साथ में, ये क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन डेज के बारे में अपने देख लिया था, ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन हमने सुबह बताया था कि जो हजार का सिक्का है आपके 10 और हजार के सिक्के लॉन्च हुए हैं, ठीक है, सुबह से क्वेश्चन इतना था कि वो कहाँ लॉन्च हुए, कौन से स्टेट में लॉन्च हुए, तो मैंने बताया था आपको उड़ीसा में लॉन्च हुए, ठीक है, ये हो गया उड़ीसा में। तो अब मैं आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि किसने लॉन्च किया ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, तो अपने जो प्रेसिडेंट है, अपने जो प्रेसिडेंट है कौन, अपने प्रेसिडेंट है महामहिम राष्ट्रपति कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कोई यही पूछ सकता है कि कौन से नंबर के ये अपने प्रेसिडेंट हैं, तो ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट फिलहाल चल रहे हैं, कौन से 14th नंबर के, ठीक है, तो इन्होंने उड़ीसा के अंदर 10 और हजार के सिक्के लॉन्च किए थे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे, तो यहाँ पे नाम पूछा था किसने लॉन्च किया, तो ये जाएगा रामनाथ कोविंद, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन, तो एक योगा ऐप अपने पास, अपने पास एक योगा ऐप है, योगा ऐप लॉन्च हुई थी, ठीक है, योगा ऐप लॉन्च हुई थी, देखो इसके बाद में दो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी जो योगा ऐप लॉन्च हुई है उसके लॉन्चर किसने लॉन्च किया था वो अलग है, और जो पहले लॉन्च किया था वो अलग थे, तो अभी उन्होंने लॉन्च किया 2018 में, और योगा है तो योगा वाले दिन किया होगा, तो आपको एक क्वेश्चन और याद कर देता हूँ कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, वो आपका 21 जून को मनाया जाता है, एक क्वेश्चन आपका और तैयार होगा यहाँ से, ठीक है, 25 जून को आपका इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अब चाहता है कि योगा ऐप के बारे में कुछ क्वेश्चन था, क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो मैं आपको दोनों आंसर बताता हूँ उसके, तो इसका 2018 में जिसने लॉन्च किया है वो थे अपने जो अपने एचआरडी मिनिस्टर है वो है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, तो एचआरडी मिनिस्टर है अपने वो है प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने और इस ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। अब ऐसी एक सिमिलर ऐप जिसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन योगा उसमें जरूर था, वो ऐप 2015 के अंदर लॉन्च कर गई थी, और उस टाइम एचआरडी मिनिस्टर के जो हेड थे वो थे अपने स्मृति ईरानी, ठीक है, तो स्मृति ईरानी ने उस टाइम योगा डे पे इस ऐप को लॉन्च किया था, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन 2018 पूछा गया है तो यही पूछा गया होगा कि एचआरडी मिनिस्टर फिलहाल जो जिन्होंने योगा ऐप को लॉन्च किया उनका नाम बताना था, तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि स्मृति ईरानी भी ऑप्शन में था, तो फिर क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि ऐप का नाम एग्जैक्टली था क्या, ठीक है, तो योगा ऐप से रिलेटेड ऑप्शन थे, एक इंटरनेशनल योगा डे बता दिया मैंने आपको, क्या पता आपको नेक्स्ट में आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आपसे इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, विजिट है आज के जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को याद थे वो सारे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस किए दो पार्ट में, और आप इसमें इन क्वेश्चन में कोई किसी तरह के कोई डाउट नहीं है, आप हमारे पास प्रूफ भी है वो आपको हमने दिखा दिया, जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे उनके को कैसा पेपर लगा हमने भी आपको बता दिया कि कौन कौन से पार्ट से क्या क्या आ रहे हैं, और हमारे जो पेपर हमने करवाए हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स में डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है लेकिन वही टाइप है वही क्वेश्चन है, तो वो आप 30 पार्ट्स में जो पार्ट बने हैं 25 रेस्पेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है उसको आप जरूर देखिए, उसके अलावा जो शॉर्ट ट्रिप्स की जो सीरीज है उसको भी देखिए, इसके अलावा हमने एसएससी के लिए अभी एक कोर्स स्टार्ट किया है रीजनिंग मैथ्स और जीके का, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।